वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। माताजी की बात करें तो मैं हमीरपुर में रहता हूँ। आज हम जाने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर टू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो काफी मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं और मेरा फ्रेंड स्कूटी पे जा रहे थे। ये आज की टूर की जो प्लानिंग थी मेरे बिलीज के चार फ्रेंड्स ने मिलकर बनाई। फिलहाल अभी मई मंथ चल रहा है और मई मंथ में गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है और इतनी गर्मी में गाड़ी में ट्रेवल करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम स्कूटी पे जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हम दोस्तों आज जा रहे हैं माता बगलामुखी मंदिर, जो कि हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इट मींस दोस्तों 1 या 1.5 घंटे का रास्ता। इस मंदिर की हिस्ट्री की बात, जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है। एक बार ब्रह्मा जी के ग्रंथ को एक राक्षस चुरा के ले गया। दानव को वरदान था ना उसे धरती में कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही आकाश में कोई देवता। तभी उस राक्षस को मारने के लिए माता बगलामुखी की उत्पत्ति। दोस्तों इन्होंने पानी में बगुले का आकार लेके दानव को मार गिराया, इसीलिए इनका नाम बगलामुखी माता पड़ गया। फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माता बगलामुखी मंदिर। अभी हम गेट नंबर 2 पे हैं और अभिनीत भाई हमारे स्कूटी पार्क कर रहे हैं। ए पहुंच गए हैं बगलामुखी टेम्पल। अरे मंदिर में अंदर जाने का रास्ता दोस्तों आगे मेरे पीछे जो आपको पीला पीले कलर का दिख रहा है ये मंदिर। इन माता को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इतने वस्त्र, इनका प्रसाद, इनका मंदिर का कलर सब कुछ पीले कलर का है। तो गाइस पीछे आप जो फ्लैग देख रहे हो ये बगलामुखी माता का फ्लैग है। धूप काफी ज्यादा है, मौसम की बात करें गाइस बहुत ज्यादा धूप है यार यहाँ पे, बहुत ज्यादा का मतलब आप समझ रहे हो। टेम्पल अभी हम दो और फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, उन्होंने तो ट्रिप प्लान किया था। गर्मी ज्यादा थी इसलिए हम इस शॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे अभिनीत भाई ने चॉकलेट शेक मंगवाया है। फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद मेरे दो भाई आ चुके हैं। अभी इन्होंने भी हमारी तरह स्कूटी पार्क की है पर इन्होंने ये सब पार्किंग पे किया है। सबसे पहले हमने मंदिर में एंटर कर लिया। एंटर होते हैं हमें शूज खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जूता घर बनाया गया है जहाँ पे आप अपना सामान या जूते रख सकते हो। रिश्वत के तौर पे हमें माता जी को बेसन की बर्फी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि माता जी की फेवरेट होती है। यहाँ पे दोस्तों सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से रास्ता बनाया गया है और हम अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ के दृश्य की बात करें दोस्तों कुछ ऐसा आपको बाहर से मंदिर देखने को मिलता है। ऐसा दृश्य है, दरवाजे के बाहर हनुमान जी विराजमान है, गेट के बाहर शेर विराजमान है और अंदर माता जी का आसन है। मेरे पीछे जो आप येलो कलर का फ्लैग देख रहे हो ये माता का फ्लैग है। और दोस्तों अंदर फोन नहीं ले सकते तो मैं फोन को बंद कर रहा हूँ। तो क्या नाचो मैं? प्राचीन शिव मंदिर फोटो बड़ा सामने आपको मंदिर जो दिख रहा है वहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। ये एक दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर है, एक शिवलिंग और त्रिशूल है और अभी हम घर जाने वाले हैं तो हमने कर लिए गाइस दर्शन। अभी हम दोस्तों मंदिर से जाने वाले हैं किसी एक बेस्ट लोकेशन जहाँ पे हम क्लिक करें कुछ पिक्चर्स और यार भूख भी लगी है कुछ खाना पड़ेगा। मंदिर से थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे हमें एक अच्छी लोकेशन दिखाई दी जहाँ पे 2 फूड वैन खड़ी थी। इस लोकेशन से व्यू काफी अच्छा आ रहा था, मेरे भाई यहाँ से फोटो क्लिक कर रहे थे। कांगड़ा में दोस्तों व्यू की बात करें व्यू काफी अच्छा इलाका होने के कारण यहाँ पे आपको सामने पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। पहाड़ियों पे बर्फ देख के यहाँ का दृश्य और अच्छा हो जाता है। चलो गाइस बाय बाय, अभी हम चलते हैं घर।